हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज की वीडियो में हम लोग सिलेबस से थोड़ा सा हट के कुछ अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है रामानुजन पैराडॉक्स। ध्यान से सुनिएगा, रामानुजन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि हो सकता है कि वो सही हो या गलत हो। इसकी मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, बस एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वो चीज़ हमें देखने में गलत लगे। ठीक है, तो रामानुजन जो कि एक इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया कि जब आप वन से लेकर इनफाइनाइट नंबर्स का सम करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस का 1/12। हाँ, आपने सही सुना, वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस का 1/12। तो अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो वही इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा पैराडॉक्स। मतलब रामानुजन को तो लगा कि उन्होंने सही बताया, पर हो सकता है कि वो बात हम समझ नहीं पाए हैं। रामानुजन ने उसे हमें सॉल्व करके भी दिया, ठीक है, पर अभी हम इतने मतलब कैपेबल नहीं हैं कि हम उसे डिकोड कर सकें। तो आज के वीडियो में हम लोग रामानुजन पैराडॉक्स को डिस्कस करेंगे, हो सकता है जितना उसको समझेंगे और जो इंडियन मैथमेटिशियन द्वारा जो प्रयास किए गए उनको समझेंगे और उसके बाद जो कंक्लूजन निकले उनको समझेंगे।